Subscribe to my channel Sukhpreet Kaur Indian Mom Tips for more videos and don't forget to click on the bell icon so that you will never miss out any of my new videos. Me Sukhpreet and welcome you all to my channel. आज का video एक comparison video है plus एक review and demo video भी है. मैं आज के video में आपको दिखाने वाली हूँ Lakme Perfecting Skin Foundation versus Maybelline Dream Satin Skin Foundation. So if you want to know about all both these foundations, kya inke plus points hain, kya negative points hain, and you want to see the demo, the price, the everything, so then just keep watching. So the video, if you guys are new to my channel, just go to and subscribe my channel. If you like this video, just don't forget to give it a thumbs up and share it among your friends, and whatever your views, don't forget to write in the comment box. I really like to read all the comments, whoever are my viewers, what they think about the video. मैं बात करने वाली हैं Lakme Perfecting Skin Foundation की plus Maybelline Dream Satin Skin Foundation की. So अगर price wise बात करें तो Lakme Perfecting Skin Foundation आता है 145 rupees में इसका retail price है. Almost 10% discount पे easily online availability इसकी होती ही है. आप Amazon, Flipkart और Nykaa टू. अगर हम बात करें Maybelline Dream Satin Skin Foundation की, इसका रिटेल प्राइस है 700 rupees, और इसके भी अगर आप Maybelline स्टोर से भी बाय कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट्स पे ये अवेलेबल मिल जाता है. इट्स अ वेरी लाइट बेस फाउंडेशन. प्लस उसके अलावा Maybelline Dream Satin Skin Foundation जो है वो SPF के साथ आता है, तो ये आईज का एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सो आप अगर एक मॉइस्चराइजर लगा रहे हो और उसके ऊपर ये फाउंडेशन यूज कर रहे हो, यू आर गुड टू गो आउट. सेकंड, अब इसके पैकेजिंग जो है ये एक ऐसे दिस ग्लास की बॉटल में आता है, विच टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इफ यू आर वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, बिकॉज दिस इज अ ग्लास बॉटल, नीचे गिरी तो ये टूटेगा ही टूटेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू आर यूजिंग दिस. प्लस सेम हियर, दिस ऑल्सो कम इन द सेम ग्लास बॉटल एंड नो एक्स्ट्रा पैकेजिंग comes in this also. So that is the thing that you have to be very careful, and they are little heavy in weight also, so you have to be careful with the their bottles while you are handling them. If they fall, they are going to break and you're going to lose the product. Quantity की बात करें तो Lakme जो है वो हमें 27 ml quantity देता है. Plus इसके जो company claims हैं वो ये हैं कि ये एक liquid foundation है जो skin में easily blend होता है, और ये oil free है, vitamin E, water resistant है, एंड ये आपको सॉफ्ट ग्लोइंग फेदर लाइट फिनिश देता है. सो ब्लेंडिंग की बात करें तो वो मैं आपको आगे डेमो दिखाऊंगी अप्लाई करके कि कैसे होता है. तो ये जो वाटर रेजिस्टेंस की बात है, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज ये इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करता. इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही थिक नहीं है, एकदम बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी. इवन आउट बहुत इजीली ब्लेंड ज़रूर हो जाता है आपकी स्किन. Maybelline की कंपनी जो क्लेम करती है, जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है कि दिस इज़ अ एयर सॉफ्ट फार्मूला विच इज़ अ पोरलेस satin smooth looking skin and extraordinary cover that does not clog your pores and long lasting day. So definitely ये एक satin smooth finish आपकी skin को देता है, और ये all day तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन फिर भी 6 से 8 hours अच्छी तरह से ये stay करता है. उसके बाद हल्के से touch up की ज़रूरत पड़ती है, because ये थोड़ा सा oil secrete करता है, मतलब अगर आपकी, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होता है लगाने के बाद, लगाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा वाइटिश दिखता है. आफ्टर सर्टन टाइम ये आपकी स्किन के ऊपर सेटल डाउन होकर एकदम नेचुरल लुक देता है, जो कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है ये बात, क्योंकि जब लगाते हैं तब तो थोड़ा वाइटिश दिखता है, बट आफ्टर सम टाइम योर स्किन स्टार्ट लुकिंग सो नेचुरल, लाइक यू हैव नॉट इवन अप्लाइड एनीथिंग. ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई फेक मेकअप किया है. आपका बॉटल है ये, इसके अंदर कोई स्पैचुला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस ओपन करके इस प्रोडक्ट को हाथ में लेके ही इसको अप्लाई करना है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस वन. प्लस जो Maybelline का फाउंडेशन है वो एक पंप बॉटल के साथ आता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए. हर एक प्रेस में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए. तो हमेशा कम से स्टार्ट करें. और इसका जो लिड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लिड जो है वो प्लास्टिक का है, पूरी बॉटल ग्लास की है, लिड प्लास्टिक का है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. एंड यू कैन सी दिस वन इज सो मेसी बिकॉज द प्रोडक्ट यूज
टू स्पिल आउट इन इस लिड के अंदर. इट हैज हैपन विद मी व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग. सो इज दैट इज अ मिस पॉइंट विद दिस वन. लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. यू हैव टू गिव अ एक्स्ट्रा केयर. लाइक इसका लिड अच्छे से लगा है नहीं लगा है, खुल के इस प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड आउट तो नहीं हो रहा. सो जो फाउंडेशन है ये चार डिफरेंट शेड्स में आता है और इसके शेड्स आपको इसके बॉटल कैप के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे. जैसे कि मेरा शेड है नेचुरल पर्ल फॉर फेयरर स्किन, वैसे ही इसका एक शेड आता है नेचुरल शेल जो कि वेटिश स्किन के लिए होता है. उसके अलावा दो और शेड आते हैं जो कि और ज़्यादा डीपर शेड्स हैं. वो लिटिल अगर आपका टोन जो है वो डीप है तो उनके लिए वो शेड्स परफेक्ट होंगे. और परफेक्ट प्लस जो मेबलिन ड्रीम सैटिन फाउंडेशन है उसका भी शेड जो है वो बॉटल के सामने मेंशन किया है. अब इसके जो शेड्स की नंबरिंग है वो बहुत ही अलग तरीके से की हुई है. इस पर लिखा है PO3 तो उसमें आप समझ नहीं सकते कि PO3 PO2 कौन सा शेड जाएगा. सो इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा शेड आप लोगे, क्योंकि कौन सा शेड किस स्किन टोन के ऊपर जा रहा है वो पैकेज के ऊपर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है. सो एंड चेक द डेमो. आई एम गोइंग टू शो यू द डेमो. मैं अपने फेस के दोनों फेस पार्ट्स के ऊपर एक पे लैक्मे और दूसरे के ऊपर मेबलिन फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ और आप देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है. परफेक्टिंग स्किन फाउंडेशन अपने राइट हाफ ऑफ द फेस पे लगाऊंगी. Actually, this makeup brush is not doing that wonder, so I'm just coming on my hands now. I just feel more comfortable with my hands to do it. जैसे मैंने अपने फेस के राइट हाफ पे अभी लैक्मे परफेक्टिंग फाउंडेशन अप्लाई किया है तो और इस हाफ पे अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये लैक्मे का जो परफेक्टिंग स्किन फाउंडेशन है ये एक आपको बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज देता है. मतलब बहुत ही हल्का सा और एक बहुत लाइट आपके टोन को ये बेटर बनाता है. जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस यू कैन सी इवन इन नेक एंड द फेस. तो हल्का सा अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर ब्लेमिशेस नहीं हैं, डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो आप ये इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो. ये आपको एक लाइट बेस देगा मेकअप का, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता. क्योंकि देखिए आई हैव पैचेस हेयर, वो ज़्यादा कुछ हाइड नहीं हुए हैं. तो अगर आपको फाउंडेशन लगाने का है दोनों के कलर टोन की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत डिफरेंस है दोनों के कलर टोन में. मेबलिन का जो कलर है वो ज़्यादा डीप है और लैक्मे का जो कलर है वो काफ़ी लाइट है. और मेबलिन के इस परफेक्टिंग फाउंडेशन ड्रीम सैटिन स्किन फाउंडेशन में भी आपको लिमिटेड शेड्स ही मिलेंगे. सिमिलरली लैक्मे में भी सिर्फ चार शेड्स ही आते हैं तो बहुत ज़्यादा शेड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो दोनों में ही नहीं है. बट अपने इंडियन स्किन टोन के जो कंपैरेटिव शेड्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे. मेरे ख्याल से लैक्मे का जो नेचुरल शेल शेड है वो मैक्सिमम इंडियन स्किन टोन के ऊपर जाता है. अगर आप थोड़े से फेयर टोन पे हो तो आपको पर्ल जाएगा और आपका कलर थोड़ा सा विटिश है तो फिर आपके लिए नेचुरल शेल जो शेड है वो चाहिएगा. और अगर थोड़े से डीपर हो तो उसके लिए भी और दो डार्कर शेड्स आते हैं. सो जैसे कि मैंने अब आप देख रहे थे मैंने यहाँ पे जब मैं लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी तो मैं ब्रश से कर रही थी तो बहुत ज़्यादा लाइंस विजिबल हो रही थी. जस्ट बिकॉज क्योंकि उस फाउंडेशन का टेक्सचर जो है वो बहुत ही थिन है तो वो ब्लेंड वो एक लेयर बना रहा था फेस के ऊपर और फाउंडेशन ब्रश के साथ लाइंस विजिबल हो रही थी. वो जो स्मूथ फिनिश है वो नहीं आ रहा था इसलिए मुझे फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड करना पड़ा. बट ये जो है ये ड्रीम सैटिन स्किन फाउंडेशन के साथ ऐसा नहीं है. मैंने उसको लगाया एंड वो फटाफट एक नाइस सैटिनी स्मूथ स्किन में
कन्वर्ट हो गया और मुझे कोई फाइन लाइंस नहीं दिख रहे हैं कि फाउंडेशन लगाया है तो उसके लाइंस जो हैं वो फेस पे विजिबल नहीं हो रहे हैं. सो नाउ यू सी अनदर डिफरेंस. अब ये जो साइड है फेस की, इससे ज़्यादा ब्राइटर लग रही है, ज़्यादा इवन टोन लग रही है, क्योंकि ये जो मेबलिन का ड्रीम सैटिन स्किन फाउंडेशन है, इसकी कवरेज जो है वो मीडियम से ज़्यादा है. बहुत अच्छी कवरेज देता है, आपके ब्लेमिशेस को भी कवर कर देता है. अगर बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस है तो वो आपको कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन जैसे कि इसका जो नाम है ड्रीम सैटिन स्किन फाउंडेशन, ये अपने नाम को के पर्पस को पूरी तरह से फुलफिल करता है. एकदम साटनी स्मूथ फिनिश आती है. और अगर आप नाइट आउट्स के लिए जा रहे हो या लॉन्ग वेडिंग फंक्शंस के लिए जा रहे हो तो ये फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल ग्लो देता है. यू कैन जस्ट सी दिस साइड ऑफ चीक्स, आई एम गेटिंग सच अ नाइस ग्लो हेयर कंपेयर टू दिस वन. सो जैसे कि आपने देखा, मैंने इस तरफ मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई किया और इस तरफ लैक्मे का, एंड दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके सामने ही है. इसकी जो कवरेज है वो मीडियम से ज़्यादा है और लैक्मे का फाउंडेशन आपको एक बहुत ही लाइट कवरेज देता है. तो आप कौन से ओकेजन पे जा रहे हो उसके बेसिस के ऊपर आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हो. हमेशा ये बात ध्यान रखें, फाउंडेशन खरीदते समय पहले आप उसको हमेशा अपनी जॉ लाइन के ऊपर चेक करें. जो शेड आपकी स्किन टोन के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है वही आपका सही शेड है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू हैव गाइज लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ थम्स अप, राइट योर कमेंट्स. अगर आप इन दोनों में से कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपका उस क्या रिव्यू है, प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें. एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू ऑल सून विद अनदर वीडियो. Thank you, bye, take care and have a very good day.